बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 5 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ स्मीना ठाकर। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहाँ डीएसपी हाईवे पुलिस बिला रऊफ़ ने सत्याना रोड पर शहरियों में हेलमेट से मुतालिका आगाही फराहम की। इस मौका पर डीएसपी बिला रऊफ़ ने हेलमेट के बगैर सफ़र करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोककर मजमा से खिताब करते हुए कहा, हेलमेट पहनना आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है। उन्होंने कहा, महंगाई के इस दौर में बेजा चालान करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आवाम मजबूर कर देते हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं सीनियर सहाफी मोहम्मद इहसानुल्लाह काजिज कादरी से। जी इहसान कादरी, मजीद क्या कहना था उनका? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डीएसपी नबीला रऊफ साहिबा जो लाहौर से तशरीफ लाएंगे सत्याना रोड पर पंजाब हाईवे पुलिस ऑफिस के सामने। मैडम, आज आप लाहौर से आई हैं, तो आपका मकसद क्या है और क्या पैगाम है आपका? मेरा मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी को महफूज करना। लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते जबकि हेलमेट उनकी हिफाजत के लिए है। हमारा मकसद चलानी करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की ज़िंदगी को महफूज करना। वैसे भी किसी एक इंसान का जान बचाई हो या उसकी पूरी इंसानियत को बचा, तो इसलिए लोगों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारा मकसद चलाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। आप अपने खर्चे को जितने गुजारिश है कि प्लीज़ अपने हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए वो जुड़ सकती है, लेकिन सर पे लगी हुई चोट जो है वो आपको जानलेवा साबित हो जाती है। जी नादरीन, नबीला रऊफ साहब डीएसपी जो हैं वो पंजाब हाईवे से, इनका ये पैगाम है कि ये इनका मकसद सिर्फ चालान करना ही नहीं है, आपकी सेफ्टी है। अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आप हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। इसी अवेयरनेस के साथ ये लाहौर से जड़ावाला तशरीफ़ लाई हैं। हमारा पैगाम भी यही है कि अपनी सेफ्टी को बरकरार रखिए, कभी ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। और सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, दिमाग का पार्ट्स नहीं मिलता, मार्केट में भी दस्तियाब नहीं है, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। जी।